मुरुडेश्वर। मुरुडेश्वर कर्नाटका के समुद्र तट पर स्थित एक आत्मलिंग शिव मंदिर है। इसी के साथ साथ यहीं पर है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची और विशाल शिव मूर्ति। इस मूर्ति को देखने लोग दूर दूर से मुरुडेश्वर आते हैं। तो आज हम आपको ले चलते हैं गोकर्ण से मुरुडेश्वर, जो कि एक कंप्लीटली कोस्टल रोड ट्रिप है। हमारे सफर में पहले हम गोकर्ण से होन्नावर चलेंगे, जिसे लगभग एक घंटा लगता है, और फिर होन्नावर से मुरुडेश्वर, जिसे लगते हैं 20 मिनट। इस बीच आपको मिलेंगे छोटे छोटे हरे भरे गांव और सुंदर खूबसूरत रास्ते। हम करेंगे शरावती नदी के बैकवाटर्स में बोटिंग और करेंगे मैनग्रूव बोर्ड वॉक। सो लेट्स बिगिन द मुरुडेश्वर रोड स्टोरी। तो सुबह का नाश्ता फटाफट खत्म करके हम हमारे होटल से निकल गए हैं। ये रोड ट्रिप के लिए आपको लगेंगे कुछ 1.5 घंटे, और इस बीच जो खूबसूरत जगहें आएंगी वो हम एक्सप्लोर करेंगे। अब हम पास कर रहे हैं गोकर्ण के रास्तों से होकर। सुबह सुबह की धूप निकली है और गोकर्ण के खेत कितने हरे भरे लग रहे हैं। हम अब गोकर्ण से बाहर निकलकर ज्वाइन कर रहे हैं NH66 को। चलो तो फिर निकलते हैं आगे। इस रोड स्टोरी की शुरुआत हम करते हैं गोकर्ण के नजदीक अघनाशिनी नदी से। यह नदी पानी से भरपूर है, और देखो नदी के दोनों तरफ नारियल के पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। सच में साउथ इंडिया वाकई में बड़ा खूबसूरत है। गोकर्ण से मुरुडेश्वर जाने के लिए हम ले रहे हैं NH66। ये नेशनल हाईवे, जैसे कि हम जानते हैं, शुरू होता है पनवेल महाराष्ट्र से और जाता है कन्याकुमारी तक। यह हाईवे पूरी तरह 4 लेन की है और रोड कंडीशंस भी ऑसम है। इस रास्ते पर कई बसेस चलती है, जिनमें से कुछ मुरुडेश्वर भी जाती है। इस रास्ते में आपको कई जानवर खेतों में चारा चरते हुए दिखेंगे और अनगिनत छोटे छोटे गांव भी मिलेंगे। क्योंकि हम समंदर के साथ साथ चल रहे थे, इसीलिए हमें रास्ते में कई नारियल के पेड़ भी मिले। यहीं पर आगे निकल के आता है होलेगड्डे टोल प्लाजा, जहां पर आपको 110 रुपए टोल देना होगा। ये इस रास्ते का इकलौता टोल प्लाजा है, और यहां पर टोल देकर अब निकलते हैं होन्नावर के लिए। होन्नावर के जस्ट पहले आप चाहो तो यहां पर होटल प्रमीला में ब्रेक ले सकते हो। जैसे आप होन्नावर पास करोगे, वहां पे आपको होन्नावर का मेन चौक लगेगा। यहां आकर हमें कई मोटरसाइकिल पर सवार गाइड्स ने बैकवाटर्स पर बोटिंग करने के लिए कांटेक्ट किया। यहां पर 3 मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। पहला है होन्नावर के बैकवाटर्स, मैनग्रूव बोर्ड वॉक और यहां का इको बीच। गोकर्ण और मुरुडेश्वर के बीच होन्नावर एक अच्छा खासा बड़ा शहर है। अब हम पास हो रहे हैं होन्नावर के मेन रोड से, जहां आपको कई प्रकार की दुकानें मिल जाएंगी। होन्नावर के इस चौक से आगे निकलकर एक बड़ी नदी आती है, शरावती नदी। शरावती और एक बड़ी नदी है जो जोग वाटरफॉल से निकलकर यहां पर समुद्र में मिल जाती है। यहां होन्नावर में इस नदी का पात्र बहुत ही बड़ा हो जाता है। यह नदी यहां पर बहुत बड़ी है और पुल खत्म होने में बहुत देर लगती है। यहां पर दोनों तरफ मछुआरे दिखाई देते हैं, और यहां दोनों तट पर नारियल के पेड़ों के साथ साथ मैनग्रूव्स भी हैं। शरावती नदी के खत्म होते ही लेफ्ट साइड पर मिलेगा आपको बैकवाटर बोटिंग और शरावती कांडला मैनग्रूव बोर्ड वॉक। लेफ्ट लेने पर आपको कई एजेंट्स मिलेंगे, जो आपको बोटिंग करने के लिए कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इनके साथ थोड़ी निगोशिएशन तो बनती है। आगे जाकर गाड़ी एक गांव के बाहर पार्क कर आपको कुछ 10 मिनट चलना होगा। इस गांव में कई लोगों की इनकम बोटिंग से जुड़ी हुई है।
आप अगर ग्रुप में बोटिंग कर रहे हो तो ₹100 पर पर्सन में आपको बोट मिल जाएगी। हमने प्राइवेट बोट ली जो हमें ₹800 में मिल गई। आज हमारी बोट के कप्तान थे रामण्णा। रामण्णा यहाँ पर खुद की बोट चलाते हैं और अगर आपको इनको डायरेक्टली कांटेक्ट करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका कांटेक्ट दे दिया है। और अब हमारा ये बैक वाटर्स के बोटिंग का सफर शुरू हो गया है। हर तरफ हरियाली और पानी का कॉम्बिनेशन बेहद खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द रोड स्टोरी चैनल। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहन देता है। मैनग्रूव्स के एक किनारे पर हमारी बोट अब लग गई है। यही मैनग्रूव्स हमारे किनारों को समंदर की विशाल लहरों से बचाते हैं। मैनग्रूव्स पर्यावरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। मैनग्रूव्स में कई छोटे जीव जैसे कि क्रैब्स, स्नेक्स, फिश, बर्ड्स और भी कई सारे जीव पनपते हैं। इन बैकवाटर्स में हमें इस छोटे मैनग्रूव आइलैंड पर उतरने का चांस मिला। यहाँ पर हमने कुछ क्रैब्स और बर्ड्स को नजदीक से देखा। इस पूरे बोटिंग के अनुभव को हमको 30 से 40 मिनट लगे। यहाँ पर मुझे और मेरी फैमिली को खुली हवा में बोटिंग करने का बहुत मजा आया। इस बोटिंग के अनुभव को हम हमेशा याद रखेंगे। रामण्णा से यहीं पर विदा लेकर हम अब आगे निकलते हैं नजदीकी मैनग्रूव बोर्ड वॉक पर। यहीं आगे मेन रोड की तरफ मैनग्रूव बोर्ड वॉक भी बनाया गया है, जहां मैनग्रूव के थ्रू आप बिना पानी में उतरे चल सकते हो। क्योंकि ये नजदीक था और रास्ते में भी था, इसीलिए हमने इसे भी विजिट किया। और अगर आप चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते हो। चलो अब निकलते हैं आगे। यहां से मुरुडेश्वर अब ज्यादा दूर नहीं है। मुरुडेश्वर का ये पड़ाव भी बहुत सुंदर है, आपको बहुत मजा आएगा। उन्नावर से मुरुडेश्वर कुछ 20-30 मिनट लगते हैं, लेकिन रास्ता बहुत ही सुंदर होने के कारण बहुत मजा आता है। मुरुडेश्वर ऑलमोस्ट रोड टच है और यहाँ जाने के लिए आपको मुरुडेश्वर रेलवे स्टेशन के बाद राइट लेना होगा। यहीं पर राइट लेकर इस कमान से अंदर जाना है हमें। इस कमान से अंदर जाने के बाद 2 किलोमीटर पर मुरुडेश्वर मंदिर है। मुरुडेश्वर रेलवे से कनेक्टेड है और यहाँ पर आप रेलवे से भी आ सकते हो। जो हमें दूर से दिख रहा है वो है गोपुरम, जो यहाँ के मंदिर का मुख्य द्वार है। इस मंदिर के पहले आपको दाई तरफ बस डेपो दिखाई देगा, जहाँ मुरुडेश्वर की बसेज आपको मिलेगी। अगर आप कार या व्हीकल से आए हो तो आपको आगे जाना ही बेहतर है। इस बीच की लेन में अगर आप पार्क करोगे तो यहाँ से आपको बहुत चलना पड़ेगा और यहाँ पर आपको मेन गेट के अंदर भी पार्किंग मिल जाएगी। मंदिर जाने के लिए यहाँ पर आपको 2 एंट्रीज मिलेगी, एक आगे गोपुरम के थ्रू और दूसरी पीछे से। यहाँ ऊपर से आपको गोपुरम और पास के नेत्रावली बीच के दर्शन होते हैं। अगर आप चाहो तो बाद में नेत्रावली बीच भी विजिट कर सकते हो। गोपुरम की ऊंचाई 20 मंजिलों की है और ये बहुत ही बड़ा द्वार है। इन सारी 20 मंजिलों पर सुंदर कारीगरी की गई है। ये साउथ इंडिया के कारीगरों का एक बेहतरीन नमूना है। इन कारीगरों की तो दाद देनी पड़ेगी। आत्मलिंग मंदिर को काफी अच्छा मेंटेन किया गया है और भीड़ भी वेल मैनेज्ड थी।
लकीली यहाँ पर हमें आरती भी मिल गई। गोल्डन टॉप का आत्मलिंग मंदिर बहुत खूबसूरत दिख रहा है और इसके एक तरफ 20 मंजिलों का गोपुरम है और दूसरी तरफ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महादेव की मूर्ति। मूर्ति के नीचे आपको टिकट लेकर मूर्तियों से ड्रामाटाइजेशन शो देखने मिलता है जो आत्मलिंग की कथा बताता है, लेकिन कन्नड़ा लैंग्वेज में। ये कथा शिव भक्त रावण की है जिसे घनी तपस्या के बाद आत्मलिंग लंका ले जाने का वरदान प्राप्त था, लेकिन शर्त ये थी कि अगर बीच में आत्मलिंग कहीं जमीन छू लेता है तो वो वहीं रह जाएगा। भगवान विष्णु को ये ज्ञात था कि रावण अगर आत्मलिंग लंका ले जाता तो अमरत्व पा लेता। उन्होंने गणेश जी से अनुरोध किया कि ऐसा ना हो। वे जानते थे कि रावण हर शाम पूजा अर्चना करता था। विष्णु जी की मदद से दिन में ही शाम हो गई और रावण के पूजा करने का समय हो गया। इस वक्त गणेश जी ने एक बालक रूप धारण किया और कोई न मिलने पर रावण ने आत्मलिंग बालक के हाथों पूजा अर्चना करने के लिए दे दिया। बालक रूपी गणेश जी ने बड़ी चतुराई से वही आत्मलिंग जमीन पर रख दिया जो मुरुडेश्वर में कंडुका पर्वत पर बस गया है तब से, और यही है आत्मलिंग की कथा। इस कथा के खत्म होने के बाद यहीं से बाहर निकलकर हमने बाजू में शनि मंदिर के दर्शन लिए और फिर हमने मुरुडेश्वर की विशाल शिव मूर्ति के दर्शन लिए। ये विशाल शिव मूर्ति साल 2008 में बनाई गई है और इसे बनने में 2 साल लगे थे। इतनी बड़ी शिव मूर्ति को नजदीक से देखने का अनुभव अविस्मरणीय है, मानो साक्षात शिव दर्शन हो रहे हो।